दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में गेट लाइट करीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, किस तरह से काम करती है, कितनी बार लगाई जाती है, सावधानी क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए गेट लाइट करीम एक ब्रांड नेम है गिलिनमर कंपनी बनाती है। दोस्तों इसको डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार इस नाम से नहीं मिलती है कुछ एरिया में, तो आप अलग अलग कंपनी की भी ले सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूट में अल्टरनेटिव ब्रांड, जैसे कि आप ले सकते हैं मेला केयर, अजंता कंपनी की आती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मेलानोरम एमएस आती है यूनिमर कंपनी की, इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी आती है। बात करें भाई यूज क्या है, तो देखिए फेस की स्किन के ऊपर ये टॉपिकली लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है। कई बार फेस की स्किन के ऊपर मेलाजमा की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन काली रंग की दिखाई देने लगती है, मेलानिन ज़्यादा बनता है, छाया की प्रॉब्लम है, छाया को हटाने के लिए दाग धब्बे अगर स्किन के ऊपर ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो दाग धब्बों को हटाने के लिए, फोड़ा फुंसी को कम करने के लिए, स्किन लाल है इसको काम करने के लिए, अगर रेडनेस है, सूजन है, स्वेलिंग को कम करने के लिए, इचिंग को कम करने के लिए ये लगाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों स्किन को लाइट भी करती है, स्किन लाइटनिंग का काम भी करती है, नेचुरल ग्लो भी देती है, तो इन सभी प्रॉब्लम में काम आती है। बात करें किस तरह से काम करती है, तो देखिए इसके अंदर आते हैं तीन सॉल्ट, पहला है हाइड्रोक्विनोन 2%, दूसरा है मोमेटासोन 0.1% और तीसरा है ट्रेटिनोइन। दोस्तों हाइड्रोक्विनोन मेलानिन को बनने से कम करता है, कई बार मेलानिन ज़्यादा बनता है जिसके कारण स्किन काली रंग की दिखाई देने लगती है। मोमेटासोन दोस्तों एस्ट्रॉइड है, स्वेलिंग में, इचिंग में, सूजन में काम आता है, इनको कम करता है। ट्रेटिनोइन विटामिन ए का ही डेरिवेटिव होता है, जो कि स्किन के पोरस को ओपन करता है, जिनके कारण कई बार क्रीम मुहासे बनते हैं, स्किन काली रंग की और लाल दिखाई देती है, तो वहाँ पर स्किन को लाइट करता है, नेचुरल ग्लो देता है। बात करें किस तरह से लगाएं, तो आप दिन में दो बार लगा सकते हैं सुबह शाम। अगर आप दिन में लगाते हो, तो अगर बाहर जाते हो तो आपके पास एक सन प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये स्किन को लाइट भी करती है, तो या तो आप रात को लगाइएगा या आप लगाने के बाद धूप से आपको बचाव करना पड़ेगा, चाहे अंदर रह के कीजिएगा, चाहे सन प्रोटेक्शन का यूज़ करके बाहर कीजिएगा। दोस्तों लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करना है, सूखने के बाद आप उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3-4 घंटे तक लगी रहनी चाहिए, उसके बाद आप चाहे तो चेहरे को धो सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें, देखिए थोड़े बहुत हो सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि इचिंग चलना, इसके बहुत ज़्यादा लाल होना, पपड़ी सी बन जाना, फोड़ा फुंसी आ जाना, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये रेयर चांस में होते हैं, हर किसी को नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी यही है कि डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। हो सकता है लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हो जाए, तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ भी समझ आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।